हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, हमने पिछले क्लास में आपको लिफ्ट मोशन बड़े अच्छे से समझा दिया था। आई होप आप लोगों ने नोट्स को बड़े बढ़िया से रीड कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं फिजिक्स के अगले क्रम की ओर। जो अगला सेगमेंट आने वाला है उसमें धूम मचाने वाली है मैकेनिक्स आपकी, मतलब इसमें लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन पूरे पूरे अब हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है तगड़ी वाली फिजिक्स, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स का। तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। देखिए यहां पे वर्ड स्मूथ है, स्मूथ वर्ड में इसलिए क्योंकि स्मूथ में फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, और अगर स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन काम करेगा। तो फिलहाल यहां पर स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन काम नहीं करने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मतलब यदि मैं फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहा होता तो मैं अपना अप्लाइंग फोर्स यदि यहां लगाता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इधर लगता, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मगर फिलहाल फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास नहीं है, हम फ्रिक्शन फोर्स को अकाउंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब हम जो अपनी सरफेस मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, स्मूथ, क्या मान रहे हैं, स्मूथ, परफेक्टली स्मूथ सरफेस जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता है, हम ये मान के चल रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूं आपकी याददाश्त के लिए कि फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू होता है म्यू इनटू आर। म्यू होता है सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशियंट, क्या होता है, सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशियंट, इसको हम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जो परफेक्टली स्मूथ सरफेस होती है उसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, जिसकी वजह से जीरो इंटू आर इक्वल टू जीरो हो जाता है। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है नॉर्मल रिएक्शन, आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। सो आइए देखते हैं, when a pull is horizontal, तो ये देखिए आपने F फोर्स से हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया है, तो F फोर्स से हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया है, मास कितना है M, और अगर आप फोर्स F लगाए हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन मिलेगा, वो हमको एक्सेलेरेशन निकालना है। तो सिंगल ब्लॉक है, सो अगर मान लेते हैं हम A एक्सेलेरेशन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, और एक्सेलेरेशन सिंपल हो जाएगा कितना, A इज इक्वल टू F बाई m, A इज इक्वल टू F बाई m, ओके। यहाँ पर दो फोर्स और लगेंगे, देखिए सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, mg, इस ब्लॉक के द्वारा जो सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा क्या लगेगा, mg, वो सरफेस पे लगेगा, और सरफेस के द्वारा जो ब्लॉक पर लगेगा वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स r, रिएक्शन फोर्स r, ठीक है ना। ऊपर और नीचे कोई मोमेंट नहीं हो रही है, ऊपर और नीचे कोई मोमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, और इक्विलिब्रियम स्टेट जब होती है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, यानी r इक्वल टू कितना, mg, r इक्वल टू mg, हालांकि यहां बताया गया है ओके, ये लिखा हुआ है r इक्वल्स टू mg, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब आइए देखते हैं, व्हेन अ पुल इज एक्टिंग एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। तो अभी तो आपने सिंपल सीधा फोर्स लगाया था, अब की सीन क्या है, ये आपके पास ब्लॉक रखा है m मास का और आप फोर्स लगा रहे हैं ये f, ओके। तो f के दो कंपोनेंट यहां पे टूट जाएंगे, एक टूटेगा अगर थीटा डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन है, तो ये टूटेगा f cos थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट टूटेगा क्या टूटेगा, f sin थीटा। तो जो f sin थीटा है वो किसको, F साइन थीटा, और नीचे क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा, mg, क्लियर है ना। और m, देखिए ये फोर्स का कंपोनेंट है mg, और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, r भी लगेगा, क्या लगेगा, r लगेगा। तो mg अब दो लोगों को हिसाब बराबर करेगा, क्या क्या, F साइन थीटा प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, F साइन थीटा प्लस r इक्वल टू mg, और जो एक्सेलरेशन देगा वो कौन देगा, F cos थीटा, कौन देगा, F cos theta। तो यहां पर यदि ये A acceleration से move कर रही है, इसके action से force लगाए जाने पर यदि A acceleration से move कर रही है, तो rule क्या बनेगा, F cos theta is equal to ma, F cos theta is equal to ma, तो A is equal to हो जाएगा F cos theta upon कितना, m। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए आ चुका है A is equal to F cos theta upon m, डायग्राम देख लीजिए, m है, इस पर नीचे के लिए हो गया mg, ऊपर की ओर लग गया F, F sin theta, देखिए आपने कंपोनेंट ब्रेक किया था ना, सो एक ऊपर F sin theta बन गया था, R बन गया था, mg को बैलेंस करने के लिए कौन कौन आ जाएंगे, mg को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा R प्लस F sin theta, ये mg से बैलेंस हो जाएगा। इसी बात पर अगर आपसे कोई बोल दे कि R की वैल्यू निकालो, तो आंसर क्या हो जाएगा, mg माइनस F sin theta, mg माइनस F sin theta, मतलब आप ध्यान से देखिए नॉर्मल रिएक्शन घट गया है, नॉर्मल रिएक्शन घट गया है, कम हो गया ना, पहले क्या था नॉर्मली, क्या था पहले नॉर्मल रिएक्शन, mg था, क्या था, mg, अब mg में से कुछ माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया है, F sin थीटा। तो एक्चुअली ये क्या है भाई साहब, ये पुल है, क्या है, ये पुल है। तो पुल करने पर जब आप किसी को
पुल करते हैं तो पुल करने पर नॉर्मल रिएक्शन कितने से माइनस हो जाता है, एफ साइन थीटा से, यस और नो? मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है और आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है कितना, म्यू इंटू आर, कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू आर, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू आर और आर की वैल्यू कम हो चुकी है, इसका मतलब पुल करने पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस और नो? मतलब आप, ये एक कार्टून है आपके पास बड़ा था, आप एक सिंपल फोर्स लगा के आप इसको घसीट रहे हैं और दूसरा आप एक पुल फोर्स लगा के घसीट रहे हैं, बताइए ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, फर्स्ट सीन में कि सेकेंड सीन में? फर्स्ट सीन में, क्योंकि फर्स्ट सीन में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एम जी, और सेकेंड सीन में जो आपका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, एम जी माइनस एफ कॉस, सॉरी एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा के माइनस होने के कारण देखिए नॉर्मल रिएक्शन घट गया, अब नॉर्मल रिएक्शन घट गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी घट गया, बोलिए आ गया समझ में ना? तो ये देखा आपने, ये देख लिया आपने, पुल देख लिया, क्या देख लिया, पुल। अब मैं पुश की भी बात कर देता हूं, क्योंकि पुल की बात हो ही चुकी है, तो आइए मैं पुश आपको खुद से बता देता हूं। देखिए पुश का सीन, ये आपके पास ब्लॉक है और आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ये देखिए इस फोर्स से, क्लियर है? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे, थीटा डायरेक्शन से इधर की ओर टूटेगा एफ कॉस थीटा और ऊपर से नीचे की ओर टूटेगा क्या भाई साहब, एफ साइन थीटा, बोलिए हाँ। एक तो लगेगा भाई साहब mg नीचे की ओर और दूसरा बन जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन r, क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन r। तो देखिए r अपवर्ड फोर्स है तो r इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस f साइन थीटा, तो देखिए पुश करने पर क्या हो गया है, r बढ़ चुका है, r क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, पिछले बार यहीं पर क्या आ रहा था माइनस, इस बार क्या आ रहा है प्लस, क्योंकि देखिए एफ साइन थीटा भी डाउनवर्ड लग रहा है और एम जी भी डाउनवर्ड लग रहा है जो कि बैलेंस हो जाएगा। सो आर को बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस यहां पर हैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, बोलिए क्लियर है? और ए एक्सेलरेशन से अगर बॉडी भाग रही है सो एफ कॉस थीटा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एफ एम इंटू ए, एम इंटू ए, यस और नो? तो ए कितना हो जाएगा भाई साहब, एफ कॉस थीटा अपॉन कितना, एम, समझ में आ गया? तो ये आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपने देखे होंगे आपके बुक्स में, जो स्पेशल बुक्स हैं आपकी, अच्छी बुक्स हैं, एनसीईआरटी में भी आपने इंक्लाइंड प्लेन वाले कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम में फेवरेबल क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन लगते हैं एग्जाम पेपर बनाने वालों को। तो आइए देखते हैं, नंबर वन है व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, जब इंक्लाइंड प्लेन किस में है, रेस्ट पे है। ये देखो भाई साहब, ये अपना इंक्लाइन प्लेन रेस्ट में है, है ना? तो अगर अपना इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे है तो ये देखिए, ये आपने ब्लॉक रख दिया है, मस्त एकदम ब्लॉक रख दिया। अब देखिए ब्लॉक पे फोर्स कैसे लगेगा बेटा, सबसे पहले इस ब्लॉक का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एम जी, बोलिए यस और नो? और ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा और सरफेस के नॉर्मल, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल बिल्कुल क्या एक्ट करता है बेटा, आर, क्या एक्ट करता है, आर। तो ये देखिए इस बॉडी पर ऊपर की ओर क्या एक्ट कर रहा है, आर, यस और नो? अब देखिए यदि इसके एम जी के कंपोनेंट आप तोड़ते हैं तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो मैंने बताया था ये एंगल भी कितना होता है, याद है आपको? अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा, तो एम जी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, यस और नो? तो देखिए एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, आर को, किसको बैलेंस करेगा, आर को, तो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये एक चीज बन गई है, क्लियर? और एम जी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन, मतलब ये अपने आप घिसटेगा, तो किस एक्सेलरेशन से घिसटेगा, उस एक्सेलरेशन को से ए एक्सेलरेशन से घिसटाने के लिए क्या लगेगा फोर्स, एम जी साइन थीटा। तो न्यूटन का लॉ लगाइए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, तो देखिए एफ फोर्स जो बन गया है वो क्या लग गया है, एम जी साइन थीटा, और एफ इक्वल टू एम ए, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जी साइन थीटा। मतलब स्मूथ प्लेन पर ग्रेविटी के कारण अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी फिसल रही है तो उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा, क्लियर है? तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा जी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि अगर ये बॉडी ए से एक्सेलरेट हो रही है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इसकी डायरेक्शन में, एफ इक्वल टू एम ए, और एम ए किसके इक्वल हो रहा है, एम जी साइन थीटा के, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, जी साइन थीटा, बोलिए क्लियर है, वेल डन। तो ये हमारा हो चुका है पहला पार्ट, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बी, व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बी, भाई साहब ये बहुत तगड़ी वाली चीज है, खतरनाक तगड़ी वाली चीज है, इसलिए मैं इसको क्रॉप करके ले करके चलता हूँ थोड़ा सा साइड में और फिर मैं आपको बताऊंगा ये मामला क्या है, है ना? मतलब एक्सेलरेशन बी से दिया गया है, अब थोड़ी सी आपको फीलिंग पकड़नी होगी, ये देखिए
ये आपके पास ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक रखा है, पहले एक्सलेशन नहीं था, पहले मान लो कोई एक्सलेशन नहीं, पहले मान लिया कोई एक्सलेशन नहीं है, तो क्या चल रहा, सीन वही पुराना वाला है। एक तो भाई साहब नीचे की ओर एम जी लग रहा है, बोलिए हाँ है ना, है ना, एक लग रहा है भाई साहब, एक एम जी हो गया, ये थीटा हो गया, तो एक लग गया आपके पास क्या, एम जी कॉस थीटा, क्या लग गया, एम जी कॉस थीटा, और एक क्या लग गया, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है बॉडी, ये नेट एक्सेलरेशन है, क्या है ये, नेट एक्सेलरेशन है, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, बोलो यस और नो। अब आ जाओ मैदान पे भाई साहब, अब कुछ होने वाला है। अब देखिए इस ब्लॉक को आप बी एक्सेलरेशन से धक्का मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, बी एक्सेलरेशन से धक्का, मतलब ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इस तरफ, बोलो यस और नो। तो आप मान करके चलो कि यहां पर आप एक चेयर कार में बैठे हुए हो, ये एक चेयर कार है ट्रेन की, और आप इसमें बैठे हुए, खूब सारे सवारी लोग बैठे हुए हैं ऐसे इस टाइप की, हाँ है ना, और ये गाड़ी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, बोलो बहुत तेजी से, है ना, तो आप किस तरफ झुकेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे बिल्कुल हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना, है ना, हो जाएंगे ना, बिल्कुल सीट से चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे, ये सुनो। तो भैया जब आपका पूरा सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, बी एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से, तो ये जो ब्लॉक है ये भी तो बी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, ये सुनो। तो इस ब्लॉक पर एक उल्टा फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स, क्या बोलते हैं, वही जिसके कारण आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, समझ गए ना, एक्सेलरेटिंग सिस्टम में सूडो फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एन तो मास तो एम है, बट एक्सेलरेशन कितना है बेटा बी, तो ये देखो भाई साहब एक एक्सेलरेशन काम करेगा एम बी, बोलो हाँ है ना। अभी इस एम बी के भी दो कंपोनेंट तोड़ दो, इस एम बी के ये एंगल थीटा है, बोलो हाँ है ना, अच्छा ये एंगल कितना था थीटा, ठीक है ना, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका ऑलरेडी आपने इसको एम जी कॉस थीटा है, और ये एंगल भी आपका थीटा बनेगा, ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्यों बनेगा थीटा, ये बहुत समझाना आसान है। देखो भाई साहब ये नीचे वाली सरफेस है कि नहीं है, है कि नहीं है, और ये इसके पैरेलल वाली सरफेस है कि नहीं है, बताइए। तो अगर कोई लाइन, अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए सुनो। तो ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा है, हाँ है ना, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही तो बनेगा, है ना, तो इसलिए ये एंगल थीटा बन गया, तो ये एंगल भी क्या बन गया, थीटा बन गया, ठीक ना। और तरीके हैं मगर वो अपन को काम करना नहीं, उतना अपन को कोई मतलब नहीं है, इसलिए समझ लिया बच्चों, ये समझ लो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल भी कितना होता है, थीटा। तो अब इस थीटा के लिए एम बी के दो कंपोनेंट निकालो, तो एक तो टूट गया थीटा के पास वाला एम बी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, एम बी कॉस थीटा पक्का, और एक टूटेगा भाई साहब ये एम बी कॉस थीटा टूट चुका है, और एक टूटेगा एम बी साइन थीटा, क्या टूटेगा, एम बी साइन थीटा, तो थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट भाई साहब एम बी साइन थीटा यहां पर टूट जाएगा, बोलिए सारा पिक्चर क्लियर है। तो भाई एक तो टूट गया कॉस कंपोनेंट, क्लियर ना, और एक इसके परपेंडिकुलर टूट जाएगा, क्या एम बी साइन थीटा, कैसा प्लेन है, एक्सेलरेटिंग है, कैसा है, एक्सेलरेटिंग, क्लियर है। अब आइए देखते हैं वही फॉर्मूला पूरा का पूरा। देखो भैया नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो लोग हैं, एक है एम बी साइन थीटा और एक एम जी कॉस थीटा, यस और नो, हाँ। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन को दो लोग बैलेंस कर रहे हैं, एक बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा नीचे वाला, और दूसरा एम बी साइन थीटा, जो यहां लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं एम बी साइन थीटा, बोलो क्लियर, हाँ या ना। अब देखो भाई साहब जो एक्सेलरेट करने के लिए प्लेन को कितने लोग, कौन कौन जिम्मेदार है, देखो एक्सेलरेशन यहां हो रहा, बोला है ना, तो नेट एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए, बोलो जी हाँ, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना, एम ए। तो फोर्स की कहानी बनाओ, तो फोर्स में आगे की तरफ कौन कौन लग रहा भाई साहब, एम जी साइन थीटा, हाँ या ना, और पीछे की तरफ कौन लग रहा है, एम बी कॉस थीटा। तो फोर्स इक्वल टू एम ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना, एम ए। अच्छा आगे इसको क्यों किया, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो बॉडी नेट आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, अगर बॉडी पीछे की ओर एक्सेलरेट होती तो क्या होता, ये बड़ा होता, है ना, क्लियर ना, बट बॉडी नीचे सरक के आ रही है, एक्सेलरेट नीचे हो रही, मतलब ये बड़ा है पक्का। एम कॉमन ले लीजिए भाई साहब, तो क्या बच गया अंदर, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना भाई साहब, एम ए, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बोलो डन। तो भाई साहब ये आ गया अपने पास नेट एक्सेलरेशन, कैसे वाले प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन का, जो साथ में एक्सेलरेट भी हो रहा है, समझ गए ना,
तो दो एक्सलेशन यहां पर काम करेंगे भाई साहब, एक तो ये भी काम करेगा नीचे वाला, उसमें से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, देख लिया ना, क्लियर है ना। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन इज दैट ए इक्वल टू जीरो। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात बताई। कह रहा है द कंडीशन फॉर द बॉडी इज टू बी रेट एस्ट इंक्लाइंड प्लेन, कह रहा है कि अगर आप कहो कि बॉडी रेस्ट में रहे, बॉडी किस में रहे, अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब बॉडी बिल्कुल भी स्लाइड नहीं होगी, आगे पीछे कुछ नहीं जाएगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब इस पर लगने वाला नेट एक्सलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। नेट एक्सलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन इज दैट एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन इक्वल टू कितना, जीरो। सो ए इक्वल टू आपने जीरो कर दिया, तो जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। चलो मैं कर देता हूं, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। सो जी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बी कॉस थीटा। तो यहां से बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कितना आ गया, जी टेन थीटा। बी इक्वल टू कितना आ गया, है ना, समझ में आ गया ना, मजे की बात, बी इक्वल टू जी टेन थीटा। तो अगर ये कहा जाए कि बताइए कितना एंगल होना चाहिए, तो यहां से टेन थीटा निकाल सकते हो, जिसके लिए आप धक्का भी मारोगे आगे तो बॉडी नीचे नहीं खिसकेगी, समझ गए ना, बॉडी आपकी नीचे रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, आप ऐसा समझो, देखो भाई साहब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जी साइन थीटा और बी कॉस थीटा बराबर तो हो रहे हैं, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ए इक्वल टू जीरो कर दिया ना, तो जी साइन थीटा और बी कॉस थीटा क्या हो गए थे, बराबर। अब क्यों हो रहा है, जरा फीलिंग पकड़ो भाई, जी साइन थीटा की वजह से वो नीचे गिर रहा है, बोलो हाँ है ना, जी साइन थीटा यहां लग रहा है, हाँ है ना, और जब सूडो फोर्स लगेगा तो बी कॉस थीटा कहां लगेगा, इधर, मतलब जी साइन थीटा लगेगा राइट टू लेफ्ट और बी कॉस थीटा लगेगा लेफ्ट टू राइट, हाँ है ना। अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में हो जाएगी, ये सुनो, ये लग गई फिजिक्स यहां पे। चलो भाई साहब मजे आ गए, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया है। ओहो हो, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से आ गया यहां पे। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल अभी जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था क्या था, नॉन एक्सेलरेटिंग, कैसा था ये, नॉन एक्सेलरेटिंग, मतलब सॉरी उल्टा वाला, ये वाला है बेटा, ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, नॉन एक्सेलरेटिंग रखा हुआ था ना, और बॉडी इसमें जा रही थी, बोलो है ना। बट ये जो फ्रेम था ये क्या था, एक्सेलरेटिंग था, ये क्या था, एक्सेलरेटिंग, इसमें क्या लग रहा था, सूडो फोर्स, क्या लग रहा था, सूडो फोर्स। तो भैया देख लो जरा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि मूव करेगा तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जैसे मान लीजिए पानी की बॉटल है, अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो देखिए पानी का लेवल वैसे का वैसे ही है, बोलो हाँ है ना। बट अगर मैं इसको एक्सेलरेशन दूंगा तो देखना इसकी तस्वीर बदल जाएगी, है ना, देखा आपने, ठीक है ना। अगर जब तक जर्क नहीं लगा था तब तक पानी पीछे की ओर खिसक रहा था, बोलो ऐसा नो, मतलब मैं एक्सेलरेट कर रहा था तो मोशन कहां जा रहा था, पीछे की ओर जा रहा था, समझ में आया ना। तो वो क्या था, नॉन इनर्शियल क्या था, बट मैंने जब तक यूनिफॉर्म मूविंग था या तो रेस्ट पे था या तो यूनिफॉर्म मूविंग था, क्लियर हो गया ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मूविंग में एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं तो सूडो फोर्स बनेगा ही। आ जाओ भाई, नॉन इनर्शियल एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लियर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटिंग वन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी हां, ये मान लो भाई साहब आप एक रोटेटिंग फ्रेम पे हो, जरा कल्पना करो ये एक बड़ा सा चक्का है घूम रहा है, अब मैं तुम्हें यहां पर छोड़ दिया हूं, मैं तुम्हें यहां पर छोड़ दिया हूं, बोलो हाँ, तुम्हारे हाथ में पकड़ने को कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में पकड़ने को कुछ नहीं है। अब वो चक्का तेज पे तेज हुआ जाएगा, क्या हो जाएगा, तेज पे तेज। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, तुम गोल गोल इसके साथ घूमते जाओगे या धीरे धीरे तुम बाहर सरक के एक समय आएगा कि नीचे गिर जाओगे, बोलो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे, समझ गए ना। तुम ये नहीं कि गोल गोल इसके साथ घूमते जाओगे, क्लियर हो गया ना। अब ये एक्चुअली एक्सेलरेटिंग है, क्या है ये, एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, डायरेक्शन बदल रही है आपकी हर पॉइंट पे, इसलिए आप पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, उसी डायरेक्शन में आपका यहां पर लगेगा फोर्स बाहर की ओर, जो आपको खींचेगा, जो आपको बाहर की ओर खींचेगा। अब हाथ में आपने कुछ पकड़ा नहीं है तो उसकी वजह से आप नीचे की तरफ गिर जाओगे, समझ में आया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ।
सो अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ नॉन इनर्शियल, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, समझ गया ना। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटिंग, इसको एक्सेलरेटिंग भी बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो अब दो टाइप के फोर्स मैं आपको वहां पर बता देता हूं कि भैया जब आप सेंटर, जब आपके पास यहां कोई बॉडी है तो एक फोर्स जो है इसको सेंटर से बांधे हुए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्या बोलते हैं सेंट्री। साइमल्टेनियसली यहां पर एक बाहर की ओर फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। दोनों साथ साथ लगेंगे, 100% दोनों साथ साथ लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी बच्चे को एक खूंटा है और वो घूम रहा है, ये एक्सेस घूम रहा है, यहां पर आपने किसी बच्चे को हाथ पकड़ा दिया, अब बोला चल घूम, आप ध्यान से देखना थोड़ी देर बाद जैसे ही घूमना शुरू होगा स्पीड पकड़ेगा, इसके पैर हवा में आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, हवा में आ जाएंगे ना। आपने भी घर में किसी बच्चे को पकड़ करके भी घुमाया हो तो थोड़ी देर बाद उसके पैर कहाँ आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, और वो बाहर की ओर खिंचाव महसूस करेगा, बोलो यस अनु। और जैसे ही आपने छोड़ा हाथ तो ऐसा नहीं कि भड़ाक से वहीं पर गिरेगा, वो एक्सियल डायरेक्शन में बाहर की ओर जा करके गिरेगा, क्लियर हुआ ना। ये किसका कमाल है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल है, समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर हो गया। और ये एक प्रकार का सूडो फोर्स है, कैसा फोर्स है, सूडो फोर्स। तो आइए बात करते हैं हम उसी सूडो फोर्स की, ये पूरी तरीके से अपरेंट फोर्स है, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया, दिस फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया, मतलब वही नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा। सूडो फोर्स इज ए फिजिकली अपरेंट बट नॉन एग्जिस्टेबल फोर्स फेल्ट बाय एन ऑब्जर्वर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझ में आया भाई साहब, नॉन इनर्शियल फ्रेम वही है जब एरोप्लेन उड़ता है तो आपकी पीछे हो जाती है एकदम तख्तियां थोड़ी देर के लिए, समझ गया ना, जब रुकने वाला होता है तो आप ऐसे ऐसे करने लगते हो, जान सूखने लगती है ना। अ फ्रेम अंडर गोइंग एक्सेलरेशन, एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें लगने वाला फोर्स, सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। व्हेन वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ मास विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन वी अप्लाई ओनली द रियल फोर्सेस। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो, इनर्शियल, क्या बात कर रहे हो, इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ या ना। तो भैया तब आप कोई रियल फोर्सेस की बात करो, किसकी बात करोगे, रियल फोर्सेस जो एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं। बट व्हेन अ फ्री बॉडी डायग्राम इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हो तो सूडो फोर्स की बात की जाती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है इन एडिशन टू ऑल रियल फोर्सेस, बोलो यस और नो। हाँ, हैज टू बी अप्लाइड टू मेक द इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए वैलिड इन दिस फ्रेम ऑल्सो, और वैसे ही जैसे आपने एफ इक्वल टू एम ए लगाया था ऊपर, ये देखो भाई साहब यहां पे सूडो फोर्स लगा था कि नहीं लगा था, एमबी, एमबी क्या था, सूडो फोर्स, क्या था ये, सूडो फोर्स। तो आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लगाना पड़ेगा, बोलो क्लियर है, ओके। अगर आपका फ्रेम रोटेटिंग है तो इसी सूडो फोर्स का नाम हो जाता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल, क्या नाम हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। इन द केस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस सूडो फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन अप्लाइड फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, समझ में आया, जब जिस समय सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगता है उस समय ये सूडो फोर्स लगने लगता है, बोलो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलिए आइए बात करते हैं, देखिए ये देखिए चलिए देखिए सेकेंड पॉइंट को देखिए आप, ये देखिए यहां पर एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इस पर क्या है, टेंशन लग रही, क्या लग रही है, टेंशन इसको घुमाने के लिए, टेंशन घुमाने के लिए, और घुमाने के लिए जो टेंशन लगेगी यानी कि जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, होगा ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। तो जितना फोर्स इसमें अंदर लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेटिंग प्लेन है तो उतना ही फोर्स इसमें क्या लगेगा, बाहर लगेगा, समझ गया ना। तो T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए देखते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ये प्लेन की, देखिए ये अपने पास में है भाई साहब, ठीक है ना। अब इसको इसको ब्लॉक को देखो क्या हो रहा है, ए एक्सल, ये देखो एफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है इस पर, एफ फोर्स है ना, और एफ फोर्स की वजह से इसको क्या मिल गया है, ए एक्सेलरेशन मिल गया, क्या मिल गया है, ए एक्सेलरेशन। आ जाओ भाई साहब, तो ये देखिए अपने पास है एम जी, क्या है ये, एम जी, और ये नॉर्मल है कि नहीं, ये नॉर्मल है ना, ये अपने पास क्या है, नॉर्मल। अब देखो भाई साहब यहाँ पे एफ फोर्स की वजह से बॉडी ए एक्सेलरेशन हो रही है, तो इस पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पीछे भाई साहब बॉडी में यहाँ पर लगेगा एम ए, क्या लगेगा, एम ए, ये देखिए पीछे लग गया, किसना बॉडी में लग गया, एम ए, ठीक है ना।
अब एम ए, अब एन के दो कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है भाई साहब, तो यहाँ पे टूटेगा एन कॉस थीटा और यहाँ पर टूटेगा क्या एन साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लग रहा है एम ए, क्या लग रहा है एम ए, तो एम ए किसको बैलेंस करेगा एन साइन थीटा को, हाँ है ना, और एम जी किसको बैलेंस करेगा एन कॉस थीटा को। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि नेट एक्सलेशन कितना होगा, तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए करके आप निकाल लेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूडो फोर्स का काम कौन करेगा एम ए, कौन काम करेगा एम ए, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी दोस्तों इसको सीखने में, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओहो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पर ए एक्सलेशन से भागा जा रहा है, ए एक्सलेशन से भागा जा रहा है, बोलो हाँ है ना, ए एक्सलेशन से भाग रहा है, तो ये जो है पेंडुलम भाई साहब पीछे खिंचता जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि ये भाग रहा है आगे तो इस पर फोर्स लगेगा, तो इस पर पीछे की ओर फोर्स क्या लगेगा एम ए, क्या लगेगा एम ए, ये देखो भैया इस बॉडी पर फोर्स लगेगा एम ए। अब ये थीटा है, टेंशन थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ लो, इधर टूटेगा टी कॉस थीटा और इधर अंदर की ओर टूटेगा टी साइन थीटा, देख लो यहां क्या लग गया भाई साहब पेंडुलम में एम जी, क्या लग गया एम जी, बोलो हाँ है ना, पेंडुलम में क्या लग गया भाई साहब एक एम जी लग गया डाउनवर्ड लगता है, बोलो ये सुनो, तो पेंडुलम में एक तो लग गया डाउनवर्ड एम जी, ठीक ना, इधर की ओर क्या लग गया एम ए, तो ये देखो लग गया है एम ए, हाँ है ना, ये देखो इधर की ओर क्या टूटेगा टी कॉस थीटा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और टी कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड, क्या होगी, तो ये देखो ऊपर भेज दिया टी कॉस थीटा पक्का, और एम जी कहां लगेगा नीचे, तो ये एम जी नीचे लग गया, ठीक है ना, और सारे फोर्सेस को मैंने एक पॉइंट पे ला करके बना लिया सबको का कनकरेंट फोर्सेस, क्या बना लिया कनकरेंट फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं बना लिया। अब देखिए तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या एम ए, तो ये क्या है स्यूडो फोर्स, क्या बन गया ये स्यूडो फोर्स, समझ में आ गया। चलिए अब भाई साहब आ गई है मेन पढ़ाई हमारी, मजे वाली एकदम पढ़ाई, मस्त मजा आने वाला है, मोशन ऑफ अ ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट, समझ गए, पूरे ब्लॉक्स आपको कराऊंगा, मजे आ जाने वाले हैं, फिर उसके बाद पुल्ली पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक दो ब्लॉक्स देख लेते हैं कि ब्लॉक्स का मोशन हम किस तरीके से करते हैं, एक ब्लॉक सिस्टम को मैं निकाले लेता हूँ, उड़ाए लेता हूँ यहाँ से, फिर उसको अपन पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है। चलो ये लो, ये भाई साहब आपके सामने ब्लॉक सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं दो ब्लॉक, तो इसको ऐसा समझा करो कि यहां पर दो ब्लॉक हैं, तो इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये देखो पहला ब्लॉक, पहले ब्लॉक का नाम कितना है M1, हाँ या ना, इस पर डायरेक्ट फोर्स क्या लग रहा है F, क्या लग रहा है डायरेक्ट फोर्स, और दूसरा ब्लॉक इसके साथ चिपका हुआ है, दूसरा ब्लॉक क्या हुआ है चिपका हुआ है, तो एक काम करो ना यहां पर एक मासलेस, मतलब जिसका कोई मास नहीं है, मासलेस डोरी लगा दो, क्या लगा दो मासलेस डोरी, हाँ है ना, और ये क्या है M2, तो आपको इनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स भी पता चल जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो मैंने माना M1 M2 पे कितना फोर्स लगाएगा, कुछ लगाएगा F, स्मॉल F, बोलो हाँ है ना, तो M1 ने M2 पे धक्का मारा आगे की ओर, तो क्या हो गया भाई साहब स्मॉल F, ये हो गया इसका एक्शन, क्या हो गया इसका एक्शन। अब M2 M1 पर पीछे भी तो उतना ही धक्का लगाएगा, तो कितना हो गया F, तो दोनों की FF की जोड़ी बन गई, तो हम आपको दोनों पर फोर्स लगाएंगे। देखो भाई साहब ये F किस पे लग रहा है भाई साहब, इस वाले पे, ये वाला इस पे है, और ये वाला किस पे लग रहा है M2 पे। चलो आ जाओ दोनों डायग्राम बनाने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम, M1 हाजिर हो, ये आ गया है M1, बोलो हाँ, इधर से क्या लग रहा है कैपिटल F, और पीछे से क्या लग रहा है स्मॉल F, ये वाला धक्का, बड़ी सावधानी रखना भाई साहब, और इस सब के प्रभाव में नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक ही होगा भाई, बोलो हाँ, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा A, क्या होगा A, मान लो आगे की तरफ, तो कौन है पहलवान F है, तो क्या रूल लगेगा कैपिटल F माइनस स्मॉल F इक्वल टू कितना M1 A, M1 A, पहला इक्वेशन आ गया। आइए अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, दूसरी वाली बॉडी को पकड़ो, ये देखो भाई साहब दूसरी वाली बॉडी अकेली है M2, क्या है अकेली M2, और उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, ये देखो ये धक्का कूट रहा है इस पर, हाँ है ना, M2 पर ये देखो कूट रहा बेचारा M1, ये सुन लो। अच्छा अगर मैं यहाँ पर ये नहीं बनाता ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता यार ये कैसे हो गया, तो मैंने बोला था ऐसा कभी भी हो तो एक डोरी छोटी सी जोड़ लिया करो, तो M2 हो गया, तो M2 पर क्या होगा बस A एक्सलेशन लग रहा है, ये क्या है भाई साहब F है, क्या ये F है, तो स्मॉल F इक्वल टू M2 A, क्योंकि F की भी डायरेक्शन यही है और A की भी डायरेक्शन यही है, बोलो ये सुनो, तो स्मॉल F आ गया। अब एक काम करो स्मॉल F की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कैपिटल F माइनस M2 A इज इक्वल टू M1 A, बोलो हाँ, नाउ इसको यहाँ ले जाओ, तो F इक्वल टू M1 A प्लस M2 A, तो एक्सलेशन निकाल लो A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, आ गया,
तो देखो क्या क्या निकाल लिया, पहला फोर्स निकाल लिया इसका, दूसरा फोर्स इस पर लगने वाला निकाल लिया, फिर मैंने क्या निकाल लिया, मैंने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, निकाल लिया। अब ये छोटा वाला फोर्स निकालना है मेरे को, स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भैया एफ इक्वल टू होता है एम टू इंटू ए, ए की वैल्यू ये निकली कि नहीं निकली, तो छाप दो यहाँ पे एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। आ गया मजा, ये देखो सारी चीजें निकल गई हैं। और ये एग्जाम में आता है भाई साहब, चार चार मार्क्स का निकालो इतना खतरनाक तरीके से। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बच्चों, मैं कहता हूं एक नहीं दस ब्लॉक लगे हों, एक्सेलरेशन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। लगने वाला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास का सम, एम वन प्लस एम टू, अगर एम थ्री लगाओ तो एम थ्री, एम फोर लगाओ तो एम फोर, ये होती है ट्रिक इसकी। समझ में आया ना? शॉर्ट ट्रिक देख लो, इसमें एग्जांपल भी देख लेना। ये देखो भाई साहब नेट एक्सेलेरेशन, देखो एफ अपॉन कितने ब्लॉक हैं, एम वन एम टू एम थ्री, ये देखो एम वन एम टू एम थ्री। अगला देखो, ये देखो फिर से इसमें, हाँ ये देखो भाई साहब कितने ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक हैं, नेट एक्सेलेरेशन इक्वल टू ए अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब खींचा तानी तुम जैसी मचा वही, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगला देखो भाई साहब, ये देखिए एम वन एम टू एम थ्री, नेट एक्सेलेरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, इसमें तो कोई जुगाड़ लगने मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, खटाखट याद है एकदम आपको, हाँ या ना। चलिए तो बच्चों अब आपको करना क्या है, आपका होमवर्क है, ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके दिखाएंगे आप मेरे को, इसका पूरा बना करके दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकालेंगे। तो बेटा इसमें कितने कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे, दो, कितने लगेंगे दो, एक इन दोनों के बीच में लगेगा, बोलो हाँ, तो उसका नाम दे दिया F1, क्या नाम दे दिया F1, और एक इन दोनों के बीच में लगेगा, हाँ या ना, तो क्या होगा F2, क्या होगा F2, क्लियर हो गया, आई बात समझ में ना बेटा। मतलब ये बात ऐसी है कि तुम ये समझो कि जब गाड़ी का इंजन पूरी पूरी रेलगाड़ी को खींचता है, समझना भाई साहब, ये गाड़ी का इंजन है, बोलो हाँ, चुक 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 चुक। हाँ तो बेटा पता होगा तुमको कि सबसे ज्यादा तनाव इस डब्बे पे देता है, देता कि नहीं देता, इसके बाद ये T1 सबसे तगड़ा, फिर उसके बाद T2 उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, उससे भी कम, और उससे भी कम, 5-6, समझ में आया। मतलब पीछे की तरफ जाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, पीछे की तरफ जाओगे तो फोर्स घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो भी ना, घट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे ज्यादा तनाव जो है यहां, क्योंकि ये पूरी ट्रॉली का लोड ये लेकर के खींचेगा, बोलो हाँ है ना, तो टेंशन सब में डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, बट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के लिए सेम रहेगा बेटा। ये एक्सेलरेट, अगर ये 2 मीटर से डब्बा स्पीड पकड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट होगा, तो ये भी कितने से होगा, उतना ही से, ये भी कितने से होगा, उतना ही से होगा। ऐसा थोड़ी होगी भाई, ये वाला ट्रेन का डब्बा अलग रेट से एक्सेलरेट हो रहा है और ये वाला ट्रेन का डब्बा अलग रेट से हो रहा है, मन मर्जी थोड़ी ना चलेगी भाई। जितने जोर के चक्के यहां से एक्सेलरेट करेंगे, उतने जोर के चक्कों को इनको भी एक्सेलरेट होना ही पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये आप करेंगे, होमवर्क करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे, देन इसके बाद आपको ये वाला पार्ट भी करना है, ओके। ये देखिए है वही चीज, इसने टेंशन का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया, टेंशन का, वहां चिपका दिया था बेवजह, बोलो हाँ ही सब, हम चिपका भी दिया, हमने खोल डाला, मतलब फिर से वही की वही पूरी चीज रिपीट हो गई। देख लो आप, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, और यहां भी कितना आ गया, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसने फोर्स का नाम वहां एफ वन एफ टू दे दिया, टी वन टी टू दे करके कंफ्यूज कर रहा है, तो भाई साहब कोई ना, ये भी होमवर्क और ये भी होमवर्क। चलो अब आ चुकता है मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर अ पुल्ली। तो भाई साहब आप कनेक्टेड ब्लॉक देख लो, ये पुल्ली मोशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये देखो डबल पुल्ली है, ये ट्रिपल पुल्ली है, इसमें देखिए मास भी लगा है, पुल्ली भी लगी है, इंक्लाइंड प्लेन पे पुल्ली, डबल पुल्ली, समझ में आया ना। ये देखो इतने धुआंधार वाले प्रॉब्लम हम पुल्ली के करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर मैकेनिकल एडवांटेज इसका मैं बताऊंगा, मैकेनिकल एडवांटेज वही कुएं हुए से रस्सी खींचने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, क्या फायदा है। चलिए आइए मैं एक आपको बता देता हूं कि पुल्ली ब्लॉक को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के आप लोग कर ले जाएंगे उड़ा करके। चलो 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 चलो, ये लो जी आप हमारे पास आ चुका है पूरा सिस्टम हमारे हाथों में, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। देखिए ये अपने पास एक कनेक्टेड सिस्टम है और ये जो सिस्टम है एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर भाग रहा है, तो अगर ये वाला ब्रांच ऊपर की ओर एक सेक्शन से जाएगी तो ये भी किससे आएगी, ए से नीचे, क्योंकि मैंने रूल में बताया था कि मासलेस स्ट्रिंग अगर है तो एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, ये ए से जाएगी तो ए से नीचे आएगी, बस बोलो हाँ या ना भाई। आप जैसे छोड़ोगे तो वैसे ही, तो बस इस तरफ से छोड़ते जाओगे, इधर से बाल्टी गिरती जाएगी उसी एक्सेलरेशन से, बोलो हाँ या ना। ये थोड़ी ना कि आपके छोड़ने का एक्सेलरेशन और बाल्टी गिरने का अलग अलग होगा, सेम होगा, तो चलो अच्छी बात है। अब देखो भाई साहब फोर्स लगाओ इस पे, ऊपर की तरफ तनाव कितना होगा, बोलो T1,
हाँ है ना। और नीचे कितना लगेगा, M1G। क्या लगेगा, M1G। एक डोरी में दो तनाव नहीं हो सकते हैं, एक डोरी में कभी दो तनाव नहीं हो सकते हैं। तो यहां भी तनाव कितना होगा भाई साहब, T1। यस और नो, दोनों में तनाव हमेशा डोरी में सेम रहेगा, यस और नो। यहां पे भी डोरी में तनाव सेम होगा और T1, और यहां पे कितना लगेगा, M2। बोलो यस और नो, M2G। क्लियर। अब फर्स्ट वाले का ब्लॉक का देखो, M1 है हाँ, T1 कहां लग रहा, ऊपर, M1G कहां लग रहा है, नीचे। तो भैया बना लो रूल, और नेट ए एक्सलेशन है तो पहलवान कौन हुआ, T1। तो M1A = T1 - M1G, मैं तो कहता ऐसा लिखा करो, T1 ऊपर, M1G नीचे, इक्वल टू क्या, M1A। बोलो हाँ। दूसरा इक्वेशन T2 वाला आ जाओ, ये M2 है, ये देखो M2 है, एक्सलेशन कहाँ है, नीचे, मतलब M2G के सपोर्ट में, M2G के सपोर्ट में, और M2A। तो क्या रूल बनेगा, देखो भाई नीचे के दो फोर्सेस M2G हाँ है ना, और ऊपर क्या है, T1। तो M2G और माइनस का कितना, T1 इक्वल टू M2A। बोलो हाँ है ना, पक्का, ठीक है बेटा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि T1 से T1 कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, माइनस M1G प्लस कितना, M2G इक्वल टू M1A प्लस M2A। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये तो निपट गए है ना बच्चे। बेटा यहाँ से जी कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, M2 माइनस M1 इक्वल टू A ब्रैकेट में M1 प्लस M2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, A इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है, ये देखो एक्सेलरेशन आ गया, आ गया, कोई दिक्कत। अब टेंशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टेंशन। तो टेंशन चाहे इस इक्वेशन को ले लो, चाहे इस इक्वेशन को ले लो, दोनों से टेंशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, ए की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, पता चल चुकी ना। देखिए टेंशन निकालने के लिए क्या बन जाएगा, इसी को उठा लो, तो T = T1 = M1G यहां आ जाएगा। तो देखो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, है ना, तो क्या है, M1A प्लस M1G = T1, M1A प्लस M1G इक्वल टू कितना, T1। बोलो क्लियर है, M1 A की वैल्यू पुट कर दो, तो A की वैल्यू मैंने क्या निकाली ऊपर, ये देखो A की वैल्यू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और क्या, G, और प्लस कितना, M1 G इक्वल टू कितना हो गया, T। बोले ऐसा नो, G पूरे से कॉमन ले लो, ले लिया क्योंकि ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, चलो तो ये देखो कितना हो गया, M1 M2। बोले यस, M1 M2 माइनस M1 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। और फिर M1 M2 किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस M1 के ऊपर। बोलो ऐसा नो, तो प्लस M1 का स्क्वायर। बोलो हाँ, और प्लस M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 और यहाँ पे क्या बैठा है, T। ये देखिए M1 स्क्वायर से M1 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, M1 M2 दो बार, तो कितना आ गया, टेंशन इक्वल टू 2 M1 M2 इधर पे G अपॉन M1 प्लस M2। तो टेंशन देखते हैं, ये देखिए 2, ओए 4 कह रहा है, कहाँ से 4 कहाँ से आ जाएगा भाई साहब, अच्छा टेंशन 1, हाँ, तो टेंशन 1 इक्वल टू, सही है, टेंशन 2 तो यहाँ है ना, टेंशन 2 क्या है, यहाँ है, तो अभी टेंशन 1 पे आए हैं, तो टेंशन 1 इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। अब आ जाइए टेंशन 2 पे, मतलब ऊपर यहाँ जो ब्लॉक कसा हुआ है, तो देखो एक फोर्स T1 ये है और एक फोर्स T1 ये है, बोलो है ना, तो ये दोनों जो मिल करके खींचेंगे वही तो यहाँ पे टेंशन लगेगा। तो टेंशन 2 दोनों पे इक्वल टू, ये भी खींच रहा पैर पकड़ के, ये भी खींच रहा है, तो दोनों का टेंशन जुड़ जाएगा, तो टेंशन 2 इक्वल टू 2T1। बोलो यस और नो, टेंशन 2 इक्वल टू 2T1। अब ये कैसा बनाया, मैंने बताया था कि टेंशन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगता है, तो इसका इससे दूर की ओर और इस पुल्ली के लिए इससे दूर की ओर, तो इनका तो ऊपर लगेगा बट पुल्ली का कहां लगेगा, नीचे। तो देखो टोटल टेंशन इक्वल टू T1 + T1, बोले तो 2T1 आ गया, समझ में ना, तो हो गया 2T1 = 4 आ जाएगा, क्योंकि ये है, क्लियर है, बोलो बन जाएगा ना। तो बच्चों ये पुल्ली सिस्टम जो है बहुत प्यारा आपने देख लिया है, तो ये आपको मैंने करा दिया है, एक बार फिर से इसको होमवर्क के रूप में करेंगे आप, होमवर्क पार्ट 1 ये है, होमवर्क पार्ट 2 क्लियर, और ये आपका ऐसे ही बिल्कुल बच्चों जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही है, डरना बिल्कुल नहीं। देखो कैसे है, ए एक्सेलरेशन से तो T = M1A, बोलो हाँ है ना, T1 = M1
ए, और नीचे एम टू जी लगेगा, ऊपर टी लग जाएगा, तो वही दो इक्वेशन बना दो, एक्सलेशन निकाल लो, टाइम निकाल लो, जैसा मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही। इसमें इसमें दो ब्लॉक हैं, ठीक है ना। यस, तो अब देखो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं पुल्ली वाले के एक्सलेशन की, पुल्ली के एक्सलेशन की शॉर्ट ट्रिक देखो। अभी एक्सलेशन की देखो, ज्यादा भारी कौन है? एम टू, तो एम टू को आगे रखो, ऊपर कौन भग रहा? एम वन, एम वन को पीछे रखो, और नीचे दोनों का सम एम वन प्लस एम टू इंटू जी कर दो। आ गई, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब दूसरा देख लो भाई साहब, ये देखो, ये पहलवान है। एम टू और एम थ्री क्या है? पहलवान है, तो एम टू प्लस एम थ्री, एम टू प्लस एम थ्री, और ये देखो बेचारा दुर्बल है, ऊपर भगा जा रहा बेचारा लपेटे में, हाँ है ना। अगर ये अकेले भारी हो जाता, ये नीचे खींच लेता, तो ये दोनों ये होते प्लस में, और ये दोनों किस में होते? माइनस में। तो एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन इंटू जी अपॉन तीनों का सम, ये देख लो, एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन इंटू जी अपॉन तीनों का सम। क्लियर हो गया? तो ये एक्सेलरेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है बेटा पुलीज की। द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पुलीज वेरी इजी, बिकम वेरी इजी यूजिंग द पुलिंग फोर्स मेथड। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, ठीक है ना। वही जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, वही एड सब्ट्रैक्ट वाला। नोट, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो ज्यादा भारी होगा, जैसे ये ए टू है, ये ए वन है, ज्यादा भारी है ना, तो वही कर देंगे। क्लियर है ना? ओके, जो मैंने आपको बताया है, ये मैकेनिकल एडवांटेज आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे कोई आपको मतलब नहीं है, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, नो, ओके, डन गाइस। तो हमारा यहाँ पर सिलेबस का एक तरीके से पहला पार्ट खत्म हो चुका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट बनता है फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? फ्रिक्शन। तो हम देख लेंगे कि फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में, हाँ शायद है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे गाइस, ठीक है ना। सो अब हमें करना है इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग।